नमस्कार, मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं दा पंचायत। साल था 2002, वो वक्त जब गुजरात में हालात कुछ ठीक नहीं थे। हम बात कर रहे हैं गुजरात के गोधरा कांड की, जिसमें करीब 59 लोगों की जानें चली गई। गुजरात में उस वक्त भाजपा की सरकार थी और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मामले में कुछ लोगों द्वारा साबरमती ट्रेन के S6 डिब्बे में आग लगाकर लोगों की हत्या कर दी गई। ये मामला शांत होने की जगह और भी ज्यादा गर्माता गया और गुजरात में इसने दंगों का रूप ले लिया। पूरे मामले में लगभग 1200 लोगों की जाने गई। अब ये मामला राजनीतिक रूप ले चुका था। गोधरा ट्रेन कांड के बाद सबने नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया और उनके इस्तीफे की मांग करने लगे। वो वक्त था जब मोदी का साथ उनके अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी छोड़ दिया था, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने उस कठिन समय में भी नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ा और एक सच्चे दोस्त और साथी की तरह साथ दिया। उन कुछ लोगों में से एक थे अरुण जेटली ने उस वक्त सभी का विरोध करते हुए नरेंद्र मोदी का साथ एक सच्चे दोस्त की तरह दिया। उनका कहना था कि लोगों ने गोधरा कांड के बाद जो हंगामा किया है, उसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। साथ ही अरुण जेटली ने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी को 2002 में गुजरात में हुए गोधरा कांड के लिए किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि अदालत ने नरेंद्र मोदी पर लगे झूठे इल्जामों को बेबुनियाद बताया है, इसलिए नरेंद्र मोदी को किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। उस वक्त अरुण जेटली वो दोस्त साबित हुए जिसकी हम सब उम्मीद करते हैं। लोगों के खिलाफ जाकर नरेंद्र मोदी का साथ देने वाले अरुण जेटली भाजपा के दिग्गज नेताओं में से एक थे। वे पूर्व वित्त मंत्री भी थे। 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत के पीछे अरुण जेटली का बहुत बड़ा हाथ था। अरुण जेटली वो व्यक्ति थे जो अपने तेज जवाबों से विपक्ष का मुंह बंद कर दिया करते थे, लेकिन अब भाजपा के बड़े नेता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 24 अगस्त की दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद दम तोड़ दिया है। हालांकि उनके आखिरी समय में देश के प्रधानमंत्री और अरुण जेटली के अच्छे मित्र नरेंद्र मोदी फिलहाल भारत में नहीं है, लेकिन दुख की इस घड़ी में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और पूरा देश शोक में है। अरुण जेटली ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया है। ऐसे में द पंचायत की पूरी टीम अरुण जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करती है। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपके पास कोई सुझाव है जो हमारी वीडियो को बेहतर बना सकते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।